लखनऊ और यूपी को एक नई पहचान मिली है। बीजेपी ने तो केवल इतना किया है कि जो भगवान के नाम पर एकाना स्टेडियम था उसका नाम बदल दिया। लखनऊ के हेरिटेज, लखनऊ के आर्किटेक्चर को कम से कम एस्थेटिकली दिखा रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे मैच को लेकर सभी क्रिकेट प्रेमियों के अंदर उत्साह दिख रहा है। लोग दूर दूर से मैच देखने के लिए लखनऊ के खूबसूरत इकाना स्टेडियम पहुंचे हैं। वर्ल्ड कप का मैच और वो भी नवाबों के शहर लखनऊ में, और कोई नेता मैच देखने ना पहुंचे, ये कैसे हो सकता है भला? फिर क्या था, सपा प्रमुख अखिलेश यादव इकाना स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच चल रहे मैच देखने पहुंच गए और स्टेडियम की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि समाजवादियों ने स्टेडियम को पहचान दिलाई है, बीजेपी ने तो बस नाम दिया है। साथ ही इकाना स्टेडियम के बारे में क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। लखनऊ और यूपी को एक नई पहचान मिली है। आज ये मैच दुनिया के न जाने कितने देशों में देखा गया होगा। ये पहचान अगर किसी ने बना करके दी तो समाजवादियों की देन है, समाजवादी सरकार की देन है। बीजेपी ने तो केवल इतना किया है कि जो भगवान के नाम पर इकाना स्टेडियम था उसका नाम बदल दिया। तो नाम बदलने वालों से नहीं चीजें बदलती हैं, जब कुछ काम होगा बड़ा तब चीजें बदलती हैं। तो समाजवादियों ने कम से कम ऐसे बड़े काम किए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जिसका परिणाम यह है कि आज दुनिया देख रही है और जो लोग यहाँ आ रहे होंगे उन्हें खुद महसूस हो रहा होगा कि ऐसा ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और बने होते तो शायद और उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल मैच हो सकते। मैं वो तारीफ स्वाभाविक है, कोई अच्छी चीज है उसकी तारीफ होगी, जो अच्छा काम होगा उसकी तारीफ होगी। मैं खुद एक दूसरे दल के सांसद के साथ बैठा था, मुझे नहीं पता था कि वो मैच देखने आए, वो खुद महसूस कर रहे थे कि ये स्टेडियम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है और एक नई पहचान, और कम से कम देखने से ये लगता है कि लखनऊ के हेरिटेज, लखनऊ के आर्किटेक्चर को कम से कम एस्थेटिकली दिखा रहा है।